So today we are going to discuss this Preksha meditation. Preksha meditation के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि Preksha meditation जैनिज्म के अंदर आचार्य महाप्रज्ञा जी ने 20 साल गहन तपस्या करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक Preksha, एक ध्यान के ऊपर एक ऐसी औषधि निकाली जिसका नाम Preksha meditation है। और ये एक ऐसा साइंटिफिक वे है हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट और द बेनिफिट इम्पैक्ट फ्रॉम दिस मेडिटेशन। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कुंडली जागरण या और बहुत सारी फॉर्म्स हैं मेडिटेशन की, बट ये जो Preksha meditation है ये एक साइंटिफिक, मेडिकली प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड मैथडोलॉजी है मेडिटेशन की टू गेट अ मैक्सिमम इफेक्ट ऑन माइंड बॉडी एंड सॉइल। इसी बेस के ऊपर आज जैन विश्वभारती यूनिवर्सिटी जो लाडनू में है इस पे बहुत डीपली इस पे कोर्स करवाते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं जिसका नाम Preksha meditation है। Preksha meditation का मतलब, Preksha mean deep meditation, मतलब ध्यान। जब हम अंदर डीप जाके उसका ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, अपने अपने मन को स्थिर करने की विधि को, अपने मन की चंचलता को कंट्रोल करने की विधि को हम Preksha meditation कहते हैं। कहते हैं कि अगर मन आपने कंट्रोल कर लिया तो सारा ध्यान कंट्रोल। गुरु नानक जी ने गुरबानी के अंदर बहुत बहुत अच्छी लाइन दी थी कि मन जीते जग जीत, जिसका मन कंट्रोल में आ गया वो पूरी दुनिया पे जीत कर सकता है। तो आज मेडिटेशन, Preksha meditation कैसे होती है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। मेडिटेशन, Preksha meditation जाने से पहले कुछ प्री कंडीशन है, प्री प्रेपरेशन ऑफ द मेडिटेशन, Preksha meditation। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आसना। First one has to go for the asana, and there are four different asana. One is a sukhasana, padmasana, ardhapadmasana and vajrasana. जिस किसी आसन में भी लंबे समय तक अगर आप comfortably बैठ के यह ध्यान कर सकते हो उस आसन में आप बैठ सकते हो। The second step is मुद्रा, मुद्रा फॉर मेडिटेशन। तो इसमें दो मुद्रा है, एक है वीतराग मुद्रा जिसमें क्या है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रख के अंगूठों को जोड़ के उंगलियां जुड़ी होनी चाहिए, नाभि के नीचे हाथों को अगर रखें तो इस मुद्रा को आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड मुद्रा इज ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर को थंब के साथ कनेक्ट करेंगे, उंगलियां दोनों सारी जुड़ी होनी चाहिए। सो दैट द फ्लो ऑफ द एनर्जी शुड बी इनसाइड योर बॉडी, इट शुड नॉट बी गो आउट। सो फर्स्ट इज वीतराग मुद्रा, सेकंड इज ज्ञान मुद्रा। नाउ दिस थर्ड वन इज मेडिटेटिव मुद्रा, दैट मीन यू नीड टू क्लोज योर आईज वेरी सॉफ्टली एंड जेंटली, दैट इज अ कॉल्ड मेडिटेटिव मुद्रा। द नेक्स्ट स्टेप इज द साउंड। हियर साउंड इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टू गेट योर बॉडी इन टू दैट मेडिटेटिव स्टेट। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, वन इज कॉल्ड अहरम, A-R-H-A-H-R-A-M। सो इसमें कैसे है, अहरम आपने नाभि के नीचे अह आ का उच्चारण करना फॉर 2 सेकेंड, एंड इफ पॉसिबल देन आई मीन कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्लू कलर। देन द सेकेंड वन र, दैट यू नीड टू बाय प्रोड्यूसिंग अ साउंड र, and you have to concentrate on your heart kendra, anahat kendra, center of bliss or hriday chakra pe, is pe dhyan dena hai for 4 seconds। then ma ka uchcharan jo karna hai throat, gale ke is kanth pe aapne uchcharan karna hai, this is called vishuddhi chakra, center of purification for 6 seconds, and then go this concentration up to the forehead, that is the your jyoti chakra, for to this up to gyan chakra up to 2 seconds। so if you calculate this time second time period, it will be a 14 seconds for one round, take a 9 rounds of this recitation of ahram word। then the second one is mahaprana dhvani, that is the recitation of
word ma, it should be from your, take a deep breath and recite this ma and put your maximum concentration on your throat. There should feel the vibration. There should be a very good vibration, that is a ma vibration, which enhance the blood supply. The capillary level of blood supply will get enhanced by producing the sound of ma on your Vishuddhi chakra, and this should be, and just go for, repeat this for 9 times. After this sound recitation, the next one is Dheya Sutra. There is a one sutra that is called Dheya Sutra, that is Sampikha Apaga Mapainam. This is a mixture of Prakrit Bhasha and Sanskrit Bhasha. It means that I need to see myself with my own eye. I need to see the soul with my own soul. Swayam ko dekhe, Atma ke dwara Atma ko dekhna. This is the ultimate, you know, the purpose of meditation, that one has to see from soul to his own soul.